थैंक यू रमशर। सुने वो जब से यहां पे आया आपने रीजी को एक भी कॉल नहीं की, क्यों? अलीजा ने भी तो मुझे कोई कॉल नहीं की, और वैसे भी उसे मेरी कोई परवाह नहीं। मैं कहां हूं, कैसा हूं, वो जानना ही नहीं चाहती। ऐसे नहीं कहते आप, बीवी है वो आपकी। और बीवियों जितना भी मसरूफ हो ना, शौहर की परवाह जरूर होती है। क्या हो गया तुम? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम नहीं जानती कि अलीजे की जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा छोड़े ना अफनान इन बातों, आप उसे कॉल करें। उसे कॉल करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा ना। तुम्हें मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगे। कॉल करें, मैं आती हूँ। यार तुम ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देती हो? इसकी वजह से तुम हमेशा ही थकी रहती हो। अफनान प्लीज, अभी मुझमें इतनी भी एनर्जी नहीं है कि तुमसे बहस कर सकूं। अच्छा ठीक है मत करो बहस, लेकिन कम से कम एंगेजमेंट से कुछ दिन पहले तो ऑफ ले सकती हो ना तुम। लेकिन क्यों, एंगेजमेंट के लिए कौन ऑफ लेता है अफनान? ऐसी बातें करते हो तुम। और आज मैं बहुत थक गई हूँ, बस कल चल लेंगे ना। अफनान मैंने तुम्हें बताया तो था, मेरा मैनेजर भी छुट्टियों पर है, इस टाइम पे ऑफ नहीं ले सकती। हाँ तो अच्छी बात है ना, तुम ऑफिस फोन करके बता दो कि घर में कोई इमरजेंसी हो गई है। अगर मैनेजर छुट्टी कर सकता है तो तुम भी तो कर सकती हो ना। अफनान तुम इतना परेशान वैसे क्यों हो रहे हो? अभी डॉक्टर तुम्हें यही बता रहा था ना कि मामू जाना बेहतर है, लेट हिम रेस्ट। घर पे बाकी लोग भी तो हैं, मुलाजिम भी हैं, तो प्लीज परेशान मत हो। इसका मतलब तुम ऑफिस जरूर जाओ। तुम ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो जैसे मामूजान सदियों से बीमार हो? मैं डैड की तबीयत को लेकर परेशान नहीं, जितना मैं तुम्हारे बिहेवियर की वजह से हर्ट हूं। प्लीज अफनान फजूल बातें मत करो, मुझे उनकी फिक्र थी इसीलिए मैं जल्दी आ गई। यहाँ वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है तुम्हें कितनी फिक्र थी उनकी। अफ़तान असल में कुछ लोग होते हैं जिनके लिए चाहे हम कुछ भी कर लें वो कभी खुश नहीं होते, तुम उन्हीं में से। अफ़तान जब से मामूजान जो है हॉस्पिटलाइज हुए तुम मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हो। मेरा बाप माँ अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, भैया अपनी पड़ी। अफ़तान तुम शायद भूल रहे हो, मामू जान हॉस्पिटल में तुम्हारी चहेती की वजह से एडमिट है। तो अगर ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है तो रमशा को जाकर बोलो, मुझे नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुमने उसे इस घर में रखा हुआ है। तुम क्या निकालोगे उसे इस घर से? तुम तो उसे आज तक अपने दिल से नहीं निकाल सकते। अच्छा छोड़े ना अफनान इन बातों, आप उसे कॉल करें। उसे कॉल करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा ना।